सीएम योगी का वाराणसी दौरा कई मायनों में अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फार्मा सेक्टर के नेशनल सेमिनार में शामिल हुए। बाबतपुर में आयोजित फार्मा सेक्टर के नेशनल सेमिनार में सीएम ने फार्मा सेक्टर के उद्यमियों को संबोधित किया। उन्होंने फार्मा सेक्टर के रिसर्च फेलो और छात्र छात्राओं से क्वालिटी के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि 9 साल में फार्मा सेक्टर में बहुत से नए काम हुए हैं, यही कारण है कि आज भारत विश्व के फार्मा बाजार में बड़ी भूमिका में। नए भारत में विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम उसका एक मूर्त रूप है। फार्मेसी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की कर्म साधना की वस्थली है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत को देख रही है। हमें इस क्षेत्र में और प्रयास करने होंगे। जो नए रिसर्च और पेटेंट हुए हैं उनमें भारत ने बेहतरीन कार्य किए हैं। हमें डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिकेशन, रिसर्च की संभावनाओं और पेटेंट की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना होगा। राजधानी लखनऊ में 13 और 14 फरवरी को G20 सम्मेलन की बैठकें आयोजित होने वाली हैं। इस दौरान G20 समूह से जुड़े देशों के प्रतिनिधि मंडल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इनके अलावा कई अन्य मेहमान भी शहर में आएंगे, इसलिए शहर में अलग अलग जगहों पर खास तरह की वॉल पेंटिंग्स और लाइटिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, लखनऊ के डिवाइडर और सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसी कड़ी में लक्ष्मण जी की मूर्ति भी शहर के पौराणिक पहचान को उजागर करेगी। विदेशी मेहमानों के लिए लक्ष्मण की मूर्ति खास आकर्षण का केंद्र होगी। इस दौरान विदेशी मेहमानों को लखनऊ में लक्ष्मणपुरी की झलक भी दिखेगी। नोएडा में बनी लक्ष्मण की मूर्ति लखनऊ एयरपोर्ट पर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि मेहमान जब लखनऊ शहर में आएंगे तो सबसे पहले इसी मूर्ति के दर्शन करेंगे। लखनऊ के नगर आयुक्त ने बताया कि जल्दी ही तय स्थान पर लक्ष्मण जी की मूर्ति लगेगी और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ, एयरपोर्ट से जैसे हम बाहर निकलते हैं, जहाँ पे शहीद पथ से एक फ्लाईओवर जो हमारा डायरेक्ट एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, उस चौराहे पे LDA द्वारा एक लक्ष्मण जी की मूर्ति वहाँ पे एस्टेब्लिश की जा रही है। ये भी सिटी ब्यूटिफिकेशन का ही पार्ट है और इसमें जो है नगर निगम और LDA द्वारा मिलके चौराहा, क्योंकि नगर निगम मेंटेन करता था, और जो फंडिंग है वो स्मार्ट सिटी से की गई है और ये शहीद पथ तक जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें ये इसको इंक्लूड किया गया है और इस तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। G20 सम्मेलन की तैयारियों में जुटे तमाम अधिकारी इस बात का तो ख्याल रख ही रहे हैं कि राजधानी लखनऊ पूरी तरह से स्वच्छ और सुंदर दिखे, साथ ही यहाँ का पौराणिक महत्व भी विदेशी मेहमानों को पता चले, इसकी भी पुरजोर कोशिश हो रही है। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की तमाम मांगे हुई और इसे लेकर के प्रयास भी किए गए। ये प्रयास हालांकि मुहर नहीं लग पाई, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 सम्मेलन में देश विदेश से आने वाले तमाम मेहमानों को लखनऊ में लक्ष्मणपुरी की झलक दिखे, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में लखनऊ की पहचान विश्व स्तर पर लक्ष्मणपुरी की रूप में हो, इस दिशा में इसे एक बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 16 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कॉपियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार आ और बा कॉपियों के रंग में परिवर्तन के साथ साथ सिक्योरिटी कोड भी रहेगा, इससे कॉपियों की हेराफेरी की अव्यवस्था रुकेगी। बोर्ड की ओर से लखनऊ समेत सभी जिलों को निर्देश पहले ही भेज दिए गए हैं, परीक्षा नकल विहीन और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसके मद्देनजर बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए पहली बार कॉपियों के हर पन्ने पर अनुक्रमांक के साथ ही उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने से उत्तर पुस्तिकाओं के पन्नों को बदलने की गुंजाइश अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कॉपियों के पन्नों पर अनुक्रमांक लिखने के पीछे
बोर्ड की मंशा कॉपियों में फेरबदल को रोक देना है। इससे पहले बोर्ड को कॉपियों के पन्नों के साथ ही पूरी की पूरी कॉपियों को बदलने की शिकायतें मिलती रही हैं। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि एग्जाम खत्म होने के बाद यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जमा हुई हैं या नहीं, कंफर्म होने के बाद ही उन्हें कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति हो। बोर्ड के मुताबिक अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो इस पर गंभीरता से जांच की जाएगी। महाराजगंज जिला जेल में बंद कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में अब 14A की कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस ने इनकी 30 से अधिक संपत्तियां चिन्हित की हैं, जिन्हें जल्द ही पुलिस अटैच करने का काम करेगी। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। इरफान और उसके भाई पर शिकंजा कसने के बाद प्रशासन ने उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर मामले में उसके करीबियों की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। जल्द ही इरफान सोलंकी के करीबियों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। 3-4 दिनों के भीतर ये संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इरफान सोलंकी और उसके भाई समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हुई है। 14A की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत अगले 3-4 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी। संपत्तियों के चिन्हीकरण, मूल्यांकन आदि का कार्य और गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा है उसकी विवेचना का कार्य प्रचलन में है, तो अगले सप्ताह 14A की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने इरफान सोलंकी के पूरे नेक्सस को खत्म करने के लिए अभियान चला रखा है। महाराजगंज जिला जेल में बंद कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट में उनके खिलाफ 14A की कार्रवाई की तैयारी पुलिस ने पूरी कर ली है। पुलिस ने उनकी 30 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिनके जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। विधायक इरफान और उनके भाई ने कानपुर और उसके आसपास के जिलों में करोड़ों की संपत्ति बनाई है, जिस पर प्रशासन ने नजर टेढ़ी कर ली है। राजमऊ थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में इरफान सोलंकी सहित 5 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें गैंग का लीडर इरफान सोलंकी को बनाया गया है। इस मामले में अब पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है। जहां संपत्तियों का जब्तीकरण करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, वहीं इस मामले में विवेचना भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। कैमरामैन सुगम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मरीज के परिजन जो दिव्यांग थे, उन्होंने मरीज के उपचार के बारे में पूछा तो जूनियर चिकित्सकों ने लाभ भूतों से पिटाई कर दी। गोरखपुर का बीआरडी कॉलेज एक बार फिर से विवादों में है। अब यहाँ सर्जरी वार्ड में भर्ती मरीज के दिव्यांग तीमारदार को पीटने का एक मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स पर लगा है। बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि दवा के बारे में पूछने पर जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस की मौजूदगी में दिव्यांग की पिटाई कर दी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाद में किसी तरह से बचकर दिव्यांग थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल देवरिया की बुजुर्ग महिला को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के सर्जरी विभाग में भर्ती करवाया गया था। वहां उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है। मरीज का भतीजा अजय अपनी पत्नी के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज आया था। अजय बाएं पैर से दिव्यांग है। दवा उपचार के बारे में अजय डॉक्टर से पूछताछ करने लगा। इसी बात से नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने गाली देकर उसे भगा दिया। तीमारदार ने गाली देने से मना किया तो जूनियर डॉक्टर्स ने धक्का दिया, तो वो मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगा, तो डॉक्टर्स ने मोबाइल फोन छीन लिया।
जूनियर डॉक्टर्स ने 20 से 25 की संख्या में हॉस्टल से अपने दूसरे जूनियर्स को बुला लिया। उसके बाद तीमारदार को वार्ड से घसीटते हुए लात, जूतों और चप्पलों से मारा पीटा गया और सीढ़ी से बाहर घसीट दिया। जिसके वीडियो वायरल होने के बाद 5 जूनियर चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विनय सिंह, जी मीडिया, गोरखपुर। अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को विवादित बयान और विवादित नारों के नाम से जाना जाता था, अब लगातार आपराधिक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के SS नॉर्थ हॉल में देर रात एक छात्र को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और आनन फानन में घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। घटना की सूचना पर प्रॉक्टर और पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं, जहां जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कैंपस में लगे CCTV कैमरे भी पुलिस तलाश रही है। AMU में शुक्रवार रात गोली लगने के बाद घायल हुए छात्र की हालत में अब सुधार हो रहा है। GN मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। दरअसल यूनिवर्सिटी के RM हॉल में शुक्रवार देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक पर गोली चला दी थी। गोली पेट में लगी थी, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गए थे। घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रारंभिक जांच से पाया गया कि दोनों ही व्यक्ति AMU के छात्र पुराने छात्र हैं, वर्तमान में नहीं पढ़ रहे हैं। सर, गोली कहां मारी गई थी, कैंपस के अंदर या बाहर? ये RM हॉल जो इनका हॉस्टल है उसके अंदर की घटना बताई गई। आपको बता दें कि AMU के RM हॉल में रात कई छात्र बैठे हुए थे। वहां अमरोहा का रहने वाला छात्र फैजान भी था। आरोप है कि इसी दौरान AMU का एक पूर्व छात्र वहां आ गया और गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते उसने तमंचा निकाल लिया और गोली चला दी। गोली लगने के बाद फैजान घायल होकर गिर गया और परिसर में भगदड़ मच गई। आरोपी छात्र भी मौके से भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल घटना सिविल लाइन थाना इलाके के SS नॉर्थ हॉल की है और उस वक्त हुई है जब देर रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही छात्र हॉल में बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार हमलावर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसमें छात्र के गोली लगती है और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में भले ही जुटी हो, मगर आरोपी घटना के बाद फरार बताए जा रहे हैं। प्रॉक्टर वसीम अली खान का कहना है कि पुलिस और खुद प्रॉक्टरली टीम लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को अलीगढ़ पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। नोएडा के सेक्टर 168 की गोल्डन पाम सोसाइटी में 26 साल के युवक ने 20वें फ्लोर के फ्लैट से कूदकर सुसाइड कर लिया। मृतक नमन मदान सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक लड़की के साथ वो चंडीगढ़ से आया था। उसने ये फ्लैट कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया था। जिस समय युवक ने सुसाइड किया उस समय लड़की भी कमरे में थी। पुलिस के मुताबिक लड़की और युवक दोनों गुरुवार को एक साथ फ्लैट में आए। लड़की ने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि उन्होंने 2 दिन तक शराब पी। शुक्रवार को फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर कंफ्यूजन हुआ। इसके बाद वो गार्ड के पास जाने लगी। रात 9 बजे जैसे ही वो कमरे से निकल रही थी, नमन बालकनी से कूद गया। वो नीचे रेस्टोरेंट में खाना खा रही महिला पर गिरा। हादसे में महिला भी घायल हुई है। नमन सेक्टर 15 सोनीपत का रहने वाला था। वो विवान कंपनी बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करता था। इस समय वो वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहा था। वहीं लड़की प्राइवेट कॉलेज में टीचर है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि दोनों क्लासमेट थे। फ्लैट से पुलिस को शराब की बोतल और भांग मिली है। वहां कोई सुसाइड नोट या हाथापाई के निशान, तोड़फोड़ के निशान नहीं है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद लड़की नशे में थी। ऐसा माना जा रहा है कि ये युवक भी नशे में रहा हो। गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट इलाके में 2 महीने पहले हुई 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने रेप का विरोध करने पर पीड़ित बच्ची को पत्थरों से कुचल दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर रेप को अंजाम दिया। आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था।
ये वारदात साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट इलाके में 1 दिसंबर की है। पुलिस को मासूम बच्ची का शव अगले दिन 2 दिसंबर को मिला था। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दरअसल सिटी फॉरेस्ट में एक मासूम बच्ची की शत विक्षत लाश मिली थी। पुलिस ने इस ब्लाइंड रेप एंड मर्डर केस की छानबीन शुरू की, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। घटना के 8 दिनों बाद अचानक पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। इसमें आरोपी मासूम बच्ची को लेकर जा रहा था। इस वीडियो से आरोपी की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई गाजियाबाद के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में हुई। इसमें शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया, लेकिन सजा के लिए आगे की तारीख दे दी है। वहीं शनिवार को अदालत ने आरोपी को फांसी का ऐलान कर दिया। आरोपी सोनू गुप्ता बालिग है और नंदग्राम क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता है। राजधानी देहरादून में डीजल से चल रहे सामान्य ऑटो और विक्रम ऑटो को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। 31 मार्च 2023 के बाद 10 साल से पुराने ऑटो विक्रम अब सड़कों पर नहीं चलेंगे। ऑटो को 31 मार्च 2023 तक हटाने का प्लान तैयार हो गया है। ये नियम हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में भी लागू होगा। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि ऐसे ऑटो जो 10 साल पुराने हैं, उनको 31 मार्च 2023 का अल्टीमेटम दिया गया है, जबकि 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो को 31 दिसंबर तक समय दिया गया है। देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं, उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS6 ले आए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए, या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है, और जो नए विक्रम है जो 10 साल से कम आयु वाले हैं, उनके लिए 31 दिसंबर 2023 का टाइम नियत किया गया है। प्रशासन BS6 और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो विक्रम लाने का प्लान कर रहा है। ये सारी कवायद देहरादून समेत सभी बड़े शहरों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले देहरादून में ही 700 से ज्यादा 10 साल या उससे पुराने ऑटो सड़कों पर चल रहे हैं।